हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम कक्षा 4 का पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण आसपास किताब में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हमने पार्ट 12 स्टार्ट कर दिया था, कैसे कैसे बदले घर, है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हमने ये होमवर्क में कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए नेक्स्ट पेज, मकान में बदलाव। लगभग बहुत जल्दी समय बहुत जल्दी बीत गया। हम मेहनत करके स्थायी हो गए थे। अब माँ बाबा मेरी शादी करना चाहते थे। मैंने सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूँ, एक कमरा और बनवा ले। उन दिनों शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे सीमेंट से मकान बहुत मजबूती रहती है, सीमेंट से मकान में बहुत मजबूती रहती है। हमने भी सोचा कि हमें भी सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। हमने नए कमरे की छत सीमेंट और लोहे से पक्की बनवाई। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमको नीला भाई अपनी स्टोरी बता रहे थे कि किस तरह नीला भाई ने कितनी मेहनत की और किस तरह उन्हें दूसरा घर, उन्होंने कैसे खुद की मेहनत से दूसरा घर बनाया और अब वो शादी लायक हो गए थे। तब उन्होंने सोचा कि पहले मैं अपने घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूं। ओके, फिर इसीलिए उन्होंने एक कमरा अपना बनवा लेना उचित समझा। उन दिनों शहर में सीमेंट बहुत चल रहा था, मतलब उस टाइम सीमेंट बहुत निकला था। ओके स्टूडेंट्स, तो उन्होंने सोचा कि जब सीमेंट से मकान बहुत ही मजबूती से बनता है तो हम भी सीमेंट का उपयोग करें। तब फिर उन्होंने अपने छत और अपने छत की मकान को सीमेंट से बनवाया। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी, हमने उनसे दीवारें बनाई। ईंटों का इस्तेमाल बहुत लाभदायक था, अब हमें दीवार को लीपना नहीं पड़ता था। ओके स्टूडेंट्स, देखो जब उन्होंने उस जमीन में शुरुआत में घर बनाई थी तो गोबर से लीप पोत कर वो घर बनाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शहर में तो सीमेंट और सस्ती ईंटों, मतलब जो कच्ची ईंट वो थोड़ी सस्ते में मिलती थी, वो उन सबका उत्पादन अधिक था, तो इसलिए उन्होंने देखा और उन्होंने सीमेंट और ईंट से घर बनाना उचित समझा। फिर देखिए, साल में एक बार दीवारों के चूने से पुताई कर लेते थे। ओके स्टूडेंट्स, जब उन्होंने अच्छा घर बनवा लिया तब उन्होंने सोचा कि अब हम साल में एक बार चूने से दीवार की पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई और उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा तथा दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह थी। फिर मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी हमारे नए घर में ही आई। वह रसोई में बैठकर खाना बनाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। वे बहुत खुशी के दिन थे। उन दिनों कुछ लोग शौच हेतु खुले खेतों में जाते थे, पर कुछ मकानों में उसके लिए अलग जगह बनाई गई थी। हमने अपने घर के पिछवाड़े में बेला के पत्थरों से एक शौचालय बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमने देखा कि इन लोगों ने धीरे धीरे कितनी तरक्की कर ली। जब इनकी शादी होने वाली थी तभी उन्होंने अपना नया रूम बनवाया, वो भी सीमेंट और ईंटों से अपना घर बनवाया और उसमें आंगन में एक छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई और उसमें साल में वो लोग चूने की पुताई भी कर लेते थे और छोटी सी रसोई बनाकर मिट्टी का चूल्हा बनाया तथा दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह भी बनाई। और फिर जब उनकी नीला भाई की शादी हो गई तब उनकी पत्नी नए घर में ही आई और वह रसोई में बैठकर जब खाना बनाती थी तब पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता था। वे कितने खुशी के दिन थे। जब नीला भाई ये सब सोचते हैं तो कहते हैं वो कितने खुशी के दिन थे। उन दिनों कुछ लोग शौच हेतु खुले खेतों में जाते थे, मतलब जब गांव में सभी शौच के लिए कहां बाहर जाते थे, तभी कुछ मकानों में उसके लिए एक अलग ही जगह बनवाई गई थी, मीन शौचालय बनवाया गया था। उन्होंने भी देखो घर के पीछे पिछवाड़े में घर के पीछे जो पत्थर हैं, ओके स्टूडेंट्स, तभी उन्होंने जो घर के पीछे बेल के पत्थरों का एक शौचालय बनवाया था। और एक बदलाव,
इसी मकान में मेरे 7 बेटों व एक बेटी का जन्म हुआ था। देखो फिर वो क्या बताते हैं, इसी मकान में मतलब इसी घर में उनके 7 बेटों और एक बेटी का जन्म हुआ था। समय बीतता गया, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 20 साल पहले मेरी बेटी शमी की शादी हो गई और वह अपने ससुराल राफू गांव में चली गई। देखो फिर उनके 7 बेटे और एक बेटी भी हुई और समय बीतता चला गया और उन लोगों की सबकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और उनकी बेटी का नाम क्या था, शमी। जब शमी की शादी हो गई तो वो भी शादी करके अपने ससुराल राफू गांव में चली गई। जब बड़े बेटे लाखा की शादी की बात चली तो हमें लगा कि नई बहू के लिए घर तैयार कराना चाहिए। देखो जब उनके बड़े बेटे लाखा की शादी की बातें चली तब उन्होंने सोचा कि अब हमें वापस से एक नया घर बनवाना चाहिए, क्योंकि जब उनकी शादी हुई। फ्रेंड्स फिर नीला भाई ने सोचा कि अब हमें हमारे बड़े बेटे के लिए भी एक नया मकान तैयार करवाना चाहिए। फिर देखिए दूसरे पेज में, फिर देखिए तब तक पक्की ईंटों का चलन शुरू हो गया था। हमने भी दीवारें पक्की ईंटों की बनवाई और छत के लिए बांस और खपरेल की बजाय अधिक मजबूती लाने वाले हेतु सीमेंट, कंक्रीट और लोहे के इस्तेमाल से लिंटर डलवा दिया। शौचालय में मलमूत्र के निकाले गए पाइप लगवाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। लाखा की बहू मिट्टी के चूल्हे का बहुत कम प्रमाण में इस्तेमाल करती है क्योंकि वह गैस स्टोव पर खाना बनाती है। ओके फ्रेंड्स, देखो धीरे धीरे घर में कितना बदलाव होता गया। जिस तरह उन्होंने नीला भाई ने एक किस तरह छोटे से घर में आके अपने लिए बड़ा घर बनवाया और जब उनके बेटे बड़े हो गए तो उनके बेटों के लिए भी अच्छा घर बनवाया। मतलब समय के हेतु उन्होंने अपने आप में परिवर्तन लाया। जिस तरह समय बदलता रहता है वो भी अपनी परिस्थितियाँ उनकी भी धीरे धीरे बदलती रही। पहले वे कच्ची ईंटों के घर बनाए, फिर उन्होंने पक्की ईंटों के घर बनाए। इस तरह वो लोग प्रगति पे प्रगति करते रहे। फिर देखिए नई नई चीजें चाहिए। मेरा पोता आजकल अलग रहता है। फिर देखो नीला भाई क्या कहते हैं कि मेरा पोता, अब उनका पोता भी हो गया है, वो पोता कहाँ रहता है, अलग रहता है। उसने नया घर बनवाया है, उसे छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता है। अब देखो उनके पोता आजकल अलग रहता है, क्यों, क्योंकि उसने नया घर बनवाया है और उसमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी शहर जाना पड़ता है। वहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनमें अलग अलग तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। वह नए जमाने का लड़का है। अब उसने रसोई शौचालय एवं इत्यादि अद्यतन टेक्निक व सुविधा युक्त घर मकान बनवाया है, जो हमारे लिए बहुत कठिन था। कुछ साल पहले लाखा ने शौचालय और गुसलखाना बाथरूम फिर से बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइल्स का इस्तेमाल किया है। सोचिए स्नान घर के लिए कितना खर्च किया हो गया। अब मैं 80 साल का हो गया हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही बहुत, फिर देखिए क्या कहते हैं कि इतने सालों में मैंने अपने घर में ही बहुत बदलाव देखे हैं। मुझे पता नहीं है कि मेरा पोता पोती कहाँ रहना चाहेंगे और उनके घर कैसे होंगे। आजकल अल्यार के टंडो गांव के मकान में कैसे होंगे, कभी कभी सोचता हूँ मेरे अन्य मित्र कहाँ होंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे किस तरह घर में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। समय के साथ साथ घर में भी अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं। जिस तरह जमाना चलता रहता है उस तरह हम प्रगति करते जाते हैं और नए नए तरीके से घर बनाते जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर हम जगह भी बदलते हैं। इस तरह हमारे घरों में परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इस पाठ का नाम कहा गया है कैसे कैसे बदले घर की, किस तरह घर अपने आप बदलते चले जाते हैं। आधुनिक जमाने की तकनीकी हम अपनाते हैं और किस तरह हमारे घर बदलते चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको भी आज के होमवर्क में ये पार्ट आपको पढ़ना है। पेज नंबर 96 तक आपको यहाँ तक पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप लोग ये पार्ट को ध्यान से पढ़िए और समझिए किताब में। ओके स्टूडेंट, आपको पढ़ते रहना है यही।
ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये शुरुआत से लेके एंड तक आप ये पार्ट पढ़िए और समझिए। ओके, थैंक यू।